नमस्कार, आज मैं कचालू बनाने जा रही हूँ। तो बनाने से पहले आप इंग्रेडिएंट देख लीजिए। ये बॉईल किया हुआ 5 आलू है, ये 6 से 7 ये बरी है, कोडोरी जिसे बोलते हैं। ये 2.5 चम्मच तेल है, तेल आप अपने कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये देखिए आधे से भी थोड़ा सा हल्दी है, हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार। ये हरा धनिया है और 2 मिर्च ली हूँ, ये 6 लहसुन कलियाँ ली हूँ। अब इसे मैं मिक्सर में डाल के पानी डाल के थोड़ा सा इसको पीसूँगी। ये देखिए कढ़ाई को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दी थी, अब इसमें तेल डालूँगी और ये जो बड़ी है इसको बीच में मैं डाल दूँगी। आलू को मैं पीसेस में इसको काट के ऐसे करके इसको काट लूँगी। ये देखिए पीसेस में काट लूँगी। ये देखिए मेरा बड़ी पक चुका है। अब इसमें मैं ये देखिए पानी डाल के ये जो मैं धनिया को पीसी हूँ इसमें डाल दूँगी। ये देखिए डाल दीजिए। अब मैं इसमें धनिया पाउडर डाल ये हल्दी पाउडर डालूँगी, स्वादानुसार नमक डालूँगी। ये जो मैं आलू काट के रखी हूँ इसे इसमें मिला दूंगी और गैस तेज कर देती हूँ। देखिए मेरा बस थोड़ा सा हल्का सा ये नीचे लिए थोड़ा सा पकड़ने लगे तब ये आपका हो जाएगा। ये 2 मिनट बनाने में आप देखिए 2 मिनट समय लगता है और ज़्यादा नहीं लगता, बस होने वाला है। आप ये देख सकते हैं हो चुका है। ये आप देख लीजिए पानी भी पूरी तरह से सूख गया है। अभी इसे गैस से बंद कर दूंगी, अब हो चुका है। ये देखिए मेरा गर्मा गर्म कचालू बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।